इसमें आप हलवा डालिए और थोड़ी सी जो है ना जी ये सब्जी डालिए, लॉक लगा दो, उसके बाद ऐसे माचिस का तिल्ली यहाँ पे अंदर डाल दो। सही है, उल्टी करके। हाँ ठीक है, मसाला ऊपर की होना चाहिए। हाँ, मसाला ऊपर की होना चाहिए। ठीक है, हो गया ये, बस इसमें ऐसे करके लगा दो, इसके बाद फायरिंग करो। एक चीज़ है जी, यहाँ पे लेने से पहले चेक कर लीजिएगा जी। ठीक है, तो घर जाके भी चलेगा ना पक्का? एक चीज ना, मैं सामने आपको ये दिखा रहा हूँ भाई, ये मेरे हिसाब से तो मत लेके जाना। हाँ जी, स्वागत है जी आप सबका एक और नई वीडियो में जी। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। एक बार चांदनी चौक फिर दोबारा आ गया हूँ जी। एक तो अपना पर्सनल काम था ही, वैसे तो मैं नॉर्मली वो वाला काम जो है मैं लेट नाइट आता हूँ 10-11 बजे के आसपास, ताकि मेरे को ट्रैफिक ना मिले। लेकिन आज दिन में आने का मकसद ये है जी कि थोड़ा सा मुझे दिवाली के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बन जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। और मैं सही बताऊं भाई, अभी मैं ये लाल किले के जो सामने जो शीशगंज गुरुद्वारे वाली रोड है उसी पे ही हूँ। और भाई धीरे धीरे यहाँ पे ही स्टार्टिंग में ही डेकोरेशन की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेन रोड पर ही नज़र आ रही हैं। लेकिन पहले अंदर जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ अंदर जाने से पहले ना थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, ताकि जो व्लॉग बनाना है जो टाइम लगना है उसके लिए जो है ना भाई कुछ खाया होगा तो आराम से काम हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते जी थोड़ी सी जो है ना पेट पूजा करते हैं जी। शीशगंज गुरुद्वारे से तकरीबन 100 मीटर पहले ही ना यहाँ पर एक गली है जी, जहाँ पे कोने पे दुकान है जलेबी वाला की, इस गली में एंटर करना है जी। इनकी जलेबी की भी जो है हमने वीडियो बना रखी है जी। और यहीं पर जी हमने थोड़ा सा आगे जो है ना तकरीबन बस थोड़ा सा मुश्किल से शायद 100 कदम पे ही एक बालाजी कचौड़ी वाले हैं, जिनके हमने 2 साल पहले जी वीडियो बनाई थी। और मेरा तब से जो है ना मतलब मन कर रहा था कि दोबारा इनके पास जाके जो है कभी नाश्ता करूं, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा दिन में जो है चक्कर लगता ही नहीं है। आज आया हूं तो मैं इसलिए घर से नाश्ता कर ही नहीं आया। मैंने कहा नाश्ता जो है ना वहीं पर ही करेंगे। बस ये जलेबी वाले से ज़रा सा आप अंदर आओगे और ये रीजी काट जहाँ पर नागौरी हलवा और कचौड़ी वगैरह ये सब मिलती हैं, भेड़ भी पूड़ी ये खाते हैं जी, नाश्ता करते हैं। आ जाओ लो जी। तो भाई ये ले लिए जी मैंने नागौरी, और साथ में है जी ये सूजी का हलवा, और थोड़ी सी मिलेगी जी साथ में सब्जी। और क्या प्राइस है भैया जी अब इसका? 60 रुपये। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। और टाइमिंग क्या है अभी ये? सुबह 7 से 1। ठीक है लो जी, 60 रुपये में जी ये आलू की सब्जी है, 4 नागौरी हैं और ये हलवा है जी साथ में। 2 साल पहले जी हमने जब ये वाली वीडियो बनाई थी ना, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तब जब हमने ये वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने दिखाया था कि ये छोटी सी गोलगप्पे टाइप की जो पूड़ी है जी, इसमें आप हलवा डालिए और थोड़ी सी जो है ना जी ये सब्जी डालिए। मैं आपको बता रहा हूँ इतने कमेंट आए कि ये कॉम्बिनेशन हमने कभी ट्राई नहीं किया है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और पता नहीं कितने ही लोगों ने यहाँ पर आके ट्राई किया और हमें बताया कि ये टेस्ट उनको बहुत स्वाद लगा। आज टेस्ट करके देखते हैं जी। बढ़िया, मज़ा आ गया। 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, 2 साल हो गए और तब से सोच रहा हूँ कि यहाँ आके टेस्ट करूँगा, लेकिन अब आजकल चक्कर जो है ना रात को लगता है, तो इसलिए आज सुबह आए तो मैंने कहा नाश्ता कर ही नहीं आया घर से कि यहाँ आके नाश्ता करूँगा। मज़ा आ गया भैया। नाश्ता हो गया जी, अब चलते हैं अपने काम के लिए। अब थोड़ा सा टाइम लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी खासी भीड़ के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। लग रहा है कि रश आज बहुत ज़्यादा है जी। एक चीज़ ना, मैं सामने आपको ये दिखा रहा हूँ भाई, ये मेरे हिसाब से तो मत लेके जाना। मैं लेके गया था तो मेरे पैसे तो पूरे फूल जो है ना वेस्ट गए थे। ये जितना अच्छा फूला हुआ दिखाते हैं ना उतना बढ़िया सही बताओ तो मिलता नहीं है। क्या रेट है भाई? कितने? 100 के 5। ठीक है, फूल वाले भैया जी 100 के जो है 5 पीस दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी प्राइस काफ़ी सही है। ये जैसे जैसे दिवाली के पास आप लोग पहुंचोगे ना ये और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 100 रुपये में 2 लड़ी तक में भी देखा हुआ है जी। यहाँ से जी अपनी भगीरथ मार्केट की एंट्री होने वाली है, और रश वाकई में बहुत तगड़े लेवल का है। यहाँ अब ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत हो गई जी, लाइटिंग वगैरह की काफ़ी ज़बरदस्त लगी हुई है, और अंदर गली में जाऊँगा तो भैया पैर रखने की भी जगह नहीं है,
लेकिन हाँ ये मुझे लाने को कहा गया है शुभ लाभ वाला, ये देख लेते हैं। तो जी शॉपिंग की हाँ जी तो भाई शुरुआत हो गई जी, मैंने ये ले लिया इनके पास, ये 100 रुपए के 4 भी हैं जी और यहाँ थोड़े से छोटे हैं ये 100 रुपए के 5 है, तो मेरे ख्याल से यही रेट शायद पड़ते हैं। मैं क्या हमारे मालवीय नगर में अगर मैं लूँ ना तो मैं सही बताऊँ भाई ये आपको 70-80 रुपए का पड़ेगा, ये 150 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे 100 रुपए के 4 ले लिए जी, पेमेंट कर दी है, चलते हैं अभी भैया के पास और काफ़ी कुछ है। एंट्री करोगे ही ना मेरे ख्याल से तो आपको सामने ही सबसे पहली कार्ट नजर आ जाएगी, बाकी आगे चलते हैं जी और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे वो रंगोली वगैरह वाली भी चीज़ें आ गई हैं। ये जो सूखे फूल है ना भाई ये मत लेना, ये जितना खुला हुआ ये जितना खिला हुआ यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये सही बताऊँ घर पर जाकर नहीं खिलता है, मेरे पैसे वेस्ट गए थे। चलते जी आगे, थोड़ा से ही आगे आओगे जी तो आपको यहाँ पर ये दिए शीए वगैरह जी है ना काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा, इलेक्ट्रिक दिए हैं सारे के सारे और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सामने ही जी यहाँ पर वो 7 मटकों वाले जो काफ़ी फेमस हैं तो ये भी आपको नज़र आ जाएंगे। मैं नाश्ता कर आया हूँ तो इसलिए अब अपने को इतनी ज़्यादा वो है नहीं दिक्कत। और भाई पटाखे भी बिक रहे हैं यार यहाँ पर, दिखाओ जी भैया जी जरा क्या नई चीज़ आई है भाई। माचिस की तिल्ली से जलेगा जी, ये लगा दिया, आग लगा दो। हाँ जी ये लगा दो तो ये खारिज करो भाई साहब, साउंड भी बड़ा जबरदस्त है यार। यहाँ से लॉक खुल रहा है, ठीक है लॉक खुल गया, यहाँ से ऐसे लॉक लगा दो, उसके बाद ऐसे माचिस का तिल्ली यहाँ पे अंदर डाल दो, सही है उल्टी करके। हाँ ठीक है, मसाला ऊपर की होना चाहिए, मसाला ऊपर की होना चाहिए, ठीक है हो गया। ये बस इसमें ऐसे करके लगा दो, इसके बाद खारिज करो, सही है और बच्चों के लिए भी सेफ ही लग रहा है क्योंकि हैंडल बड़ा है काफी। और भैया अगर ये किसी को चाहिए हो तो ये साथ में 7 मटकों वाले जी, इनके बिल्कुल बगल में भैया जी है और ये बच्चों के लिए 150 रुपए की 2, बहुत बढ़िया यार मज़ा आ गया देख के क्योंकि कुछ नया आया है जी। और भी है इनके पास छोटे बच्चों के लिए जैसे पॉपअप वगैरह, सारे बच्चों वाली है क्योंकि बड़े तो आइटम बैन है तो बच्चों वाली चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जी। भीड़ तो भाई आज बहुत ही ज़्यादा है लेकिन मेन ज़्यादा भीड़ जो है ना वो ये लाइटिंग वाली चीज़ों पर ही है। यहाँ से मैंने एक पता किया था दिया भैया जी के पास से, तो ये एक बार फिर जी जरा दिए का प्राइस वगैरह पूछते, मैंने लेना भी है आज मेन यहाँ आया हूँ जी ये कलश खरीदने के लिए और ये 2 लेके जाऊँगा, एक अपने लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। ये रोटेट नहीं हो रहा है, बाहर निकालोगे तो होगा। एक चीज़ है जी यहाँ पे लेने से पहले चेक कर लीजिएगा जी, ठीक है तो घर जाके भी चलेगा ना पक्का, पता चले ठीक है ठीक है। 2 पीस निकाल देना, 2 450 वाले लिए जी, उसके बाद एक ये है जी 550 रुपये, इसमें बस ये गोटा लगा हुआ है तो इसलिए इसके 100 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और बड़ा साइज़ भी है उसके 650 हो जाएंगे जी, तो मैंने 450 वाला क्योंकि हमारा मंदिर इतना बड़ा भी नहीं है, 2 ले लिए एक अपने लिए और एक अपने सिस्टर के लिए। दूसरा वाला भी भैया जी चेक करवा रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ है जी। एक 450 रुपये में ये देखो जी लक्ष्मी गणेश जी है जी, पीछे चक्र थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है लेकिन लग काफ़ी अच्छा रहा है। नीचे दिए हैं, नीचे लिखा हुआ है शुभ दीपावली 450 रुपये। हाँ जी ठीक है जी बढ़िया एकदम, दोनों पैक कर दो जी। बाकी भाई यहाँ पर तो बहुत सारी नई नई लाइटें आई हुई हैं और बहुत कुछ नया भी आया हुआ है इस बार जो है ना लाइटिंग। एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वो चाइनीज़ ना होके इंडियन लाइटें भी हैं, जैसे ये इस बार देख रहे हो ये हार्ट शेप में भी हैं, फ्लावर शेप में भी हैं। और एक चीज़ जो मैंने इस बार पहली बार नोट करी है भाई, कई दुकानों पे ना फिक्स प्राइस वगैरह लिखा हुआ है और प्राइस सही बताऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये शुभ लाभ वगैरह तो आपको यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे भाई, नाना करते करते भी जो है ना पटाखे वगैरह यहाँ पर बिक ही रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप ले सकते हो। और थोड़ा सा भाई ज़रा सावधान रहना, अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ ही कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो अपने पर्स वगैरह का चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से मैंने ये शुभ लाभ वगैरह वाली और ले ली हैं, जैसे ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक दिखाता हूँ आपको। जैसे ये शुभ लाभ वाला है ना, इसके पीछे 2 साइडेड टेप लगी हुई है तो ये लिए मैंने 2 पीस और ये 60-60 रुपये है, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी पेमेंट कर दिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नज़र आता है तो वो लेते हैं। बाकी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह तो बहुत कुछ है, इस बार झूमर यार काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। भैया जी ये झूमर का क्या प्राइस है, ये जो लक्ष्मी वाला जो बीच में लगा हुआ 150 का सिंगल पीस। थोड़ा सा भी मैं और अंदर आ गया हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अगर इस तरफ आप आते हो भागीरथ पैलेस
कि यहाँ पर तो प्राइस का जो है ना तकरीबन जो 1200 रुपए की चीज़ थी वो यहाँ आके 70 रुपए 60 रुपए हो गई है। अभी ये जो लाइटिंग वगैरह मैं देख रहा हूँ फ्लावर वाली, ये सारी 60-60 रुपए है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, थोड़ा और रश में घूम सकते हो भाई, तो प्राइस आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा। अभी मैं तो जा रहा हूँ जी जरा और अंदर शुगर की स्ट्रिप्स वगैरह लेने के लिए। अंदर जी एक शॉप में आ गए जी, और यहाँ पर ना मेरे को बहुत अच्छी अच्छी और भी लाइटें नज़र आ रही हैं। हालांकि इनका काम जो है वो झूमर और लाइटिंग का है, लेकिन अभी दिवाली टाइम पे जो है ये लाइटिंग का काम कर रहे हैं। ये अच्छी लग रही है काफ़ी। ये कितने की है बॉल वाली? कौन सी? ये रेनबो। हाँ ये रेनबो 350। अच्छा ये 350 नहीं, मैं ये छोटी वाली जो बॉल थी। हाँ स्मॉल 150 है, 5 मीटर। हाँ सही है। फैंसी लाइट है ये, बाहर नहीं लगी हुई इतनी, आपके पास है अच्छी। 100 रुपीस का है, मतलब किसी को सस्ते में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। 100 रुपीस जी, ये भी 5 मीटर्स में ही है। बहुत बढ़िया। और क्या नाम से शॉप आपकी? SR International। वैसे तो देखो जी इनका काफी अच्छा झूमर, हम तो हिंदी में झूमर ही बोलते है ना। हाँ लाइट्स और झूमर बिल्कुल। बाकी ये साथ में मेरे को इनके पास काफी अच्छी लाइटिंग भी मिल गई है, तो वो ले लिया मैंने। थैंक यू जी। गार्ड साहब पर्ची और सामान चेक कर रहे जी। मैंने लिया है मात्र 100 रुपये में ये गुलाब वाला। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल देखने में जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनके पास और भी बहुत लाइटिंग है। यहाँ देखोगे तो भाई ये फूलदान जो है ना आई थिंक 400-400 रुपये 300-300 रुपये के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मेरे को मेन जो है ना ये देख लो, ये वाला ये 450 रुपये का है जी। अगर आपको कहीं अपने कमरे में कोई लाइटिंग वगैरह लगाने के लिए चाहिए तो। हाँ जी थैंक यू जी। ओके चले जी, मेरे को आगे जाना है कुछ। वो जो शुगर की जो है ना, पंकज का भी मैसेज आया है कि वहाँ घूम ही रहा है, तो शुगर की कुछ स्ट्रिप्स वगैरह लेनी है, शुगर चेक करने के लिए जो आती है। मैंने कहा चलो ले जाऊँगा यहाँ से। यार ये देखना है, छोटे छोटे से कलश है भाई, और 100 रुपये प्राइस है इसका। ये बहुत बड़ी लग रहा है। हाँ भैया क्या कह रहे थे, कहाँ लगेगा ये? फर्श पे लगा लें उस पर है ना। ये एक दे दो यार मेरे को, जरा बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये छोटी छोटी सी मोमबत्तियाँ भी हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ जी ये कलश वाला। भाई सही बता रहा हूँ, बुरा हाल हो गया है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है ना। अभी इस साइड तो थोड़ी सी फिर भी कम है, जिस साइड में ये दवाइयाँ वगैरह का लेने गया था। इस साइड जहाँ पे ये जो चीज़ें लगी हुई हैं दिवाली शॉपिंग वगैरह की, यहाँ भाई बहुत ही तगड़ी भीड़ है। और जिस टाइम आया था तब फिर भी थोड़ी सी कम थी, अब तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। और सही बताऊँ तो अभी नाश्ता कर लिया था आते ही, लेकिन घूमते घूमते भाई फिर से जो है ना भूख लगने लग गई, और मन कर रहा है कि कुछ पीने को मिल जाए तो बढ़िया हो जाए मामला। अब चलते हैं, थोड़ी बहुत हो गई शॉपिंग, थोड़ी सी मेरे को जरा बाहर से ही कर लूँगा। मैं देख लिया कुछ चीज़ों का रेट तो ऐसा है कि जो बाहर मिल रहा है वही रेट जो है अंदर भी वही है, तो उठा के क्या घूमना बाहर जाके जो उतनी। ये महाराज जा रहे हैं इतनी तेज, इन्होंने हाथ मारा और अभी और 2-4 लोगों को टकराते हुए जा रहे हैं। पता नहीं किस बात की उनको खुंदक है कि लोगों से ऐसे टकरे मारते हुए जा रहे हैं। बाहर आके जी मैंने ये थोड़े से फ्लावर्स भी खरीद लिए, 200 रुपये के ये लिए हैं। एक ये भाई के पास कुछ झूमर टाइप का है, 100 रुपये के 10 वो ले लिए जी। और अब जो है जी अपना हाथ जो है ना काफ़ी भर गया है। और अभी कुछ सामान ऐसा है जो मैंने अपनी पार्किंग के पास ऑलरेडी बोल रखा है किसी को, तो फ़ोन करूँगा तो वो पार्किंग के पास भी जो है ना भेज देंगे जी। भाई पार्किंग के पास आके बैठ गया हूँ, जिसको सामान के लिए बोलना था भैया को लोकेशन बता दिए। यहाँ पे संतरे वाले भैया जी हैं, 10 रुपये की प्लेट दे रहे हैं भाई। तो मेरे ख्याल से 2 संतरे आ रहे हैं इसमें, बढ़िया मसाला वसाला डाल कर दे रहे हैं। चलो मैंने कहा ये खाते हैं, पीने के लिए सोच रहा था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये खाते हैं। भाई पार्किंग में तो आ गया हूँ, सामान देख रहे हो यहाँ ऊपर तक लगा हुआ है आगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलने पर ना आज अपना आधा पौना घंटा बर्बाद होने वाला है भाई, क्योंकि एंट्री भी एक ही है और एग्ज़िट भी एक ही है, बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ यार।